हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो सबका सबसे पहले दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप मेरे ब्लॉग्स को पसंद कर रहे हो दोस्तों। तो प्लीज कीप लाइक और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करो और नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज मैं बता रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ, नए घर पे, और वहाँ पर एक काम है। तो वहाँ पर आप उससे पहले दोस्तों आपको क्या है कि आपको मैं एक अपने बहुत पुराने दोस्त से मिलाऊंगा दोस्तों, जो क्लास फाइव में मेरा दोस्त था और अभी फिलहाल एक डॉक्टर बन चुका है। तो ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, प्लीज ब्लॉग को कंटिन्यू करो और ब्लॉग को बिल्कुल मिस नहीं करना, बहुत ही मजेदार ब्लॉग आज होने वाला है। तो उससे मैं जानूंगा कैसे वो डॉक्टर बना, कितना पढ़ा, तो आप लोग को भी दोस्तों थोड़ी जानकारी मिल जाएगी। तो उम्मीद है ब्लॉग आपको बहुत पसंद आएगा, प्लीज ब्लॉग देखते रहो। तो ब्लॉग में कंटिन्यू कर रहा हूँ, अभी मैं निकल रहा हूँ दोस्तों और उसके क्लिनिक पे पहुँच के फिर मैं आपसे मिलता हूँ। जैना मोड़ पहुंच गया हूं, आप देख पा रहे हो यार, टोल प्लाजा के सामने मैं खड़ा हूं। और चलिए आपको दिखाता हूं वो टोल प्लाजा, यहां आप देख रहे हो मेरे पीछे, ये आपका टोल प्लाजा है बोकारो जैना मोड़ पालीडी के रूट में आपको मिलेगा एनएच हाईवे पे, ठीक है। तो अभी मैं निकल रहा हूं और चलिए कुछ आपको नज़ारा दिखाता हूं बैक कैमरा से, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों बैक कैमरा से, आप देख लो टोल प्लाजा, ये बहुत ही, इसके बनने में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुआ था, फाइनली बन गया और अभी अच्छा खासा यहाँ से मुनाफा हो रहा है सरकार को। और ये रहा दोस्तों NH 32, यहाँ से आप अगर सीधे चल जाओगे, जैसे गाड़ी देख पा रहे हो कार जा रहा है, तो सीधे एकदम आपको कमलापुर साइड निकलेगा और यहाँ से अगर लेफ्ट लोगे तो यहाँ जैना मोड़, आपको देख रहे एक रोड जा रहा है इधर आपका लेफ्ट में, तो वो जैना मोड़ की तरफ जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ब्लॉग पे बने रहिए और आपको दिखाता हूँ सारा जैना मोड़ को दिखाऊंगा और उसके बाद मेरा जो दोस्त है जिसके बारे में बोला था तो उससे भी मिलूंगा मैं। तो दोस्तों मैं अपने दोस्त के यहाँ, जो मैं आपको बताया था मेरा फ्रेंड है जो डॉक्टर है, अभी रात का डॉक्टर है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। तो चलिए दोस्तों आपसे मिलाता हूँ और आपको दिखा देता हूँ, इसका बोर्ड है और इधर जैना मोड़ का है, ये देखो जैना मोड़ का रास्ता, इधर से आप यहाँ पेट्रोल पंप है, अशोक पेट्रोल पंप आप देख पा रहे हो, और उसके जस्ट इन फ्रंट में इसका क्लिनिक है। तो अगर किसी को जरूरत है तो आप देख रहे हो दोस्तों ये ऐसा क्लिनिक है, प्रभाकर डेंटल केयर, ठीक है। तो चलिए दिखाता हूँ कि कैसे डॉक्टर्स इलाज करते हैं दांत के, तो जब देख पा रहे हो ये भारी भारी इक्विपमेंट यहाँ पर रखे हुए हैं ये, और ये मेरे फ्रेंड है और अभी, तो ये दोस्त है मेरे प्रवीण कुमार प्रभाकर इनका नाम है, ठीक है। तो सर जी कुछ आप बताइए, प्रवीण जी। हाँ, मैं प्रवीण कुमार प्रभाकर, मैं बोकारो का ही रहने वाला हूँ, मैंने अपने पढ़ाई मुरादाबाद से की है, ठीक है। आज के डेट पे मैं यहाँ क्लिनिक जो है 7-8 साल से है, 2012 से मैं यहीं पे हूँ। अब मैं कॉलेज से पास आउट होने के बाद पहले हजारीबाग कॉलेज ऑफ डेंटल एंड साइंसेस में लेक्चर था, उसके बाद फिर मेरा ये जैना मोड़ में पहला क्लिनिक है, उसके बाद फिर अभी 2 साल पहले मैंने अपना दूसरा क्लिनिक चिड़ाचास में स्टार्ट किया है, और अभी जस्ट एक नया क्लिनिक कोऑपरेटिव में 234 में चल रहा है तीनों जगह पे। और मेरा यही ध्यान होता है कि हमेशा मरीज को कम से कम में अच्छा से अच्छा इलाज मैं कैसे प्रोवाइड कर पाऊँ। एक से एक बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें उन्हें अपनी बीमारी का पता भी नहीं होता कि उनके दांतों में कोई समस्या है, ये है तो उन्हें पता नहीं चलता, तो उसके लिए हम हमेशा महीने में 1-2 बार मुफ्त में डेंटल चेकअप फ्री कैंप जो है हमारे यहाँ लगता है, चाहे कोई भी कॉलेज हो स्कूल हो, हर जगह साल में कम से कम 10-15 जो है फ्री डेंटल कैंप करते हैं, वहाँ हमारे डॉक्टर्स आते हैं, जूनियर्स आते हैं, सबसे उन्हें पता चलता है कि हाँ मेरे दांत में ये प्रॉब्लम है, ये होना चाहिए, बकायदा जो है ट्रीटमेंट का जो है क्वालिटी यहाँ पे आपको। तो दोस्तों ये मेरे फ्रेंड है और आप देख पा रहे हो यहाँ पर बैठे हुआ है, तो चलिए इसका क्लिनिक का मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ व्यू। तो प्रवीण अगर कुछ बताना अगर चाहोगे तो, क्योंकि जो व्यूअर्स है आप अगर बताना चाहोगे तो, ये दोस्तों आपका
मशीन है, वो एक्सरे मशीन है, देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर देख रहे हो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी है, तो इसको घबराना नहीं, ये आपके चेकअप के लिए होता है। हाइड्रोलिक और ये जितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं सारे हाईटेक है, सारे अवेलेबल है, सब तो दोस्तों ये मेरा अब देख पा रहे हो क्लिनिक है, पूरा अच्छा खासा सेटअप है। तो आप किसी को कुछ परेशानी हो दांत से रिलेटेड तो प्रभाकर डेंटिस्ट क्लिनिक मेरा फ्रेंड का है, तो आप लोग यहाँ आ सकते हो, आप लोगों को कम कॉस्ट पे बहुत अच्छा इलाज हो सकता है। ठीक है, तो ब्लॉग पे कंटिन्यू रहो दोस्तों, और मैं आज क्या करता हूँ सारा कुछ सबको दिखाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों तो फ्रेंड ये रहा मेरा दोस्त, और इनके सहयोगी है आपके डॉक्टर है, ये भी डॉक्टर। तो दोस्तों आप क्या बताना कुछ चाहेंगे अपने बारे में? मेरा नाम डॉक्टर मंजीत सिंह राणा है, मैंने अपनी MBBS कंप्लीट की है कानपुर अमर मेडिकल कॉलेज से, और मुझे सबको ज्वाइन किया अभी एक दो हफ्ते हुए, यहीं पर इनके साथ रहता हूँ। और बहुत ही अच्छा सेटअप है, एक अच्छा डेंटल क्लिनिक, अच्छा सेटअप है, यहाँ पे पेशेंट्स को अच्छे ट्रीटमेंट मिलते हैं यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को फिर खत्म करते हैं, और जस्ट अभी मैं घर पहुंचा हूँ। आप लोगों को बता दूं कि अभी फिलहाल बहुत गर्मी है, बीच में बारिश हुई थी कुछ दिन के लिए, बट अभी फिर से बहुत ज्यादा गर्मी आ गई। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को चलिए खत्म करते हैं, और खत्म करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नीचे है इसको दबा लेना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।